कभी वोट नहीं देंगे किसी उस पार्टी को जिन पार्टीज के लीडरों का पैसा और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी हो। वादा करें मेरे से, क्योंकि नौजवानों, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो जब भी बाहर से दूसरा मुल्क से कोई वजीर मुझे मिलने आता था या प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे पहले मुझे बताया जाता था कि ये किधर पढ़ा है, कितनी पढ़ाई की, इसका तजर्बा क्या है, ये ईमानदार है या नहीं है, इसकी रेपुटेशन क्या है। एक एक चीज उसकी पहले मुझे बताई जाती थी मेरे मिलने से पहले। तो जब आसिफ जरदारी बाहर जाता था तो वो सारे कहते थे कि देख के इसे हाथ मिलाना, आपकी उंगलियां चोरी कर लेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बाहर जाते थे, उनके सारे मगरब के लीडर्स को पता होता था कि इनके पैसे किधर पड़े हैं, इन्होंने कितनी करप्शन की, सब पता होता था उनको। तो कभी ये उनके सामने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, ये कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। वो जब हुक्म करेंगे कि जनाब हमें अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान में बेसिस चाहिए, ड्रोन अटैक करने के लिए बेसिस चाहिए, ये इनमें कभी जरूरत नहीं होगी ना करने की, क्योंकि ये पैसे के गुलाम है, पैसा बाहर पड़ा है। तो इसलिए एक तो आपने ये मेरे से वादा करना है कि आपने कभी जिस पार्टी के भी सरबराह के पैसे बाहर पड़े हो आपने उस पार्टी को वोट नहीं देना। दूसरा, नौजवानों जेहन में अपने डाल लें कि कभी कभी आपने गुलामी कबूल नहीं करनी। हम आजाद लोग हैं, हम ला इलाह इल्लल्लाह अल्लाह से वादा करने वाले लोग हैं। हम अगर किसी के सामने झुकते हैं